वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि ये मेरी 2020 की पहली वीडियो है। जो वीडियो आप लोग देखते हो वो 2020 की नहीं है, वो 2019 की है, क्योंकि मैं जब हरिद्वार गई थी वो तब की वीडियो है। किसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो इसी वजह से वो अब आ रही है वीडियो। तो मैं जो है आप लोगों के साथ आज कुछ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ज्वेलरी गैलेक्सी की तरफ से मुझे ये ज्वेलरी आई है, रिव्यू पर्पस से आई है। वैसे तो मैंने ये खुद परचेस नहीं की है, उन्होंने मुझे ये सेंड की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिव्यू को झूठा दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग को पता है कि शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे ये वीडियो। ज्वेलरी जो है बहुत अच्छी है, बहुत औसम है। एक एक करके मैं आप लोगों को सारी ज्वेलरी दिखाती हूँ, आप लोग ये बताना कि आप लोगों की फेवरेट कौन सी है, फिर मैं बताऊंगी कि मेरी फेवरेट कौन सी है। क्योंकि देखो ज्वेलरी सबको पसंद होती है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे इयररिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज्यादा, बता नहीं सकते कितने ज्यादा। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे उन्होंने भेजे हैं इतने सारे बॉक्सेस, 1 2 3 गिर गए, और एक ही नेकलेस का। तो एक एक करके हम इन्हें खोल के देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। मैंने बस एक ही बार खोल के देखे हैं जब से ये आए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं मेरे पास आए हुए। तो सबसे पहले अगर पैकेजिंग की बात करी जाए तो इसका बॉक्स काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसे बाद में भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हमारे साथ यही होता है कि हम अपनी ज्वेलरी को कहाँ रखें। बहुत अच्छे से इन्होंने इस बॉक्स में ये भेजे थे, बबल रैप करके भेजे थे, और उसके बाद ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्स हैं, काफी ज्यादा अच्छे हैं। ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इयररिंग्स हैं ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने ना ज्यादातर सबको इन्हें पहने हुए देखा, ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है। मैंने यूट्यूबरों को भी देखा है इन्हें पहनते हुए, काफी अच्छे लग रहे हैं। पास से देखिए आप लोग, ठीक है, फर्स्ट तो है ये। और सबसे अच्छी बात है अपने देखो बॉक्स में रखो ऐसे, और ये आपके सेफ। सबसे अच्छा चीज मुझे इसका बॉक्स ही पसंद आया है। और सेकंड चीज पे आते हैं, सेकंड क्या है, ये भी बहुत प्यारे हैं, मतलब ये व्हाइट कलर के हैं, इस तरीके के हैं, ये बहुत सुंदर है। और पहनने के बाद जब मैं कभी पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे ये पहन के, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैं भी पहन के भी देख लेती हूँ, चलो इन्हें ये वाले निकाल देती हूँ। असल में मैंने ये इसलिए नहीं निकाले कि मेरी मम्मी निकालने नहीं देती रियल बात ये, मेरी मम्मी नहीं निकालने देती, मुझे बोलती है कि मैं खो दूंगी, नहीं निकल रहा, एक मिनट रुकना। तो मैंने वो चेंज कर लिए, और ये वाले पहले मुझे भी था कि चलो मैं भी पहन के देख लेती हूँ, और आप लोगों को भी पता चल जाएगा पहनने के बाद लुक बहुत अच्छा आ रहा है। मुझ पे तो पता नहीं कैसे लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे बहुत ज्यादा प्रिटी लगेंगे। तीसरे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तीसरा बॉक्स खोल के, इसमें इन्होंने मुझे इतने सुंदर सुंदर और बहुत सारे इयररिंग्स दिए हैं। आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ये एक है, ये वाले ये अलग हैं, और इनसे अलग भी हैं ये वाले, तीन ये हो गए, और ऊपर जो है ये हैं, इनमें भी डिजाइन बना हुआ है, आप इस तरीके के हैं, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, अपने डेली डेली चेंज करते रहो, काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं मुझे। और ये तो नेक्स्ट है ये नेकलेस, ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी लगा था, और इसका प्राइस कितना है इसका, इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, 280 रुपये है। ये सच में बहुत प्यारा लगा था, आप लोग देख लीजिए, इसका नेकलेस बहुत ज्यादा प्यारा है, और इसके कानों के उससे भी ज्यादा प्यारे हैं, छोटे छोटे से, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, पहनने के बाद एक बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगेगा, क्योंकि मैंने ये पहन के देखा था, मैंने खोल लिया था, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी अच्छी है, और ये बड़ा सुंदर भी लग रहा है देखने में तो एक ये है, और एक है ये भी बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे इस टाइप के ना इयररिंग्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे बारीक बारीक इयररिंग्स बहुत सुंदर लगते हैं। एक है ये इयररिंग्स, मुझे कितने सारे ये इयररिंग्स हैं, ये बारीक बारीक से, इनमें बहुत सुंदर लग रहे हैं, और इस तरीके के बड़े में हुक्स मेरे पास और भी हैं। तो एक है ये इयररिंग्स,
पैकेजिंग बहुत अच्छे से तैयार होके आई थी, मतलब बहुत अच्छे से पैकेजिंग करी थी मैं बोलूं, तैयार होके आई थी। और एक मुझे रिसीव हुआ है ये नेकलेस, ये बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा पहनने के बाद, अगर आप कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो तो बहुत ज्यादा फिटी लगेगा। और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। पहले मैं इसे ब्रेसलेट समझ रही थी, लेकिन ये ब्रेसलेट तो नहीं है, ये नेकलेस ही है। बहुत सुंदर लग रहा है ये मुझे। एक है ये और नेक्स्ट एयरिंग से वो है ये मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। मतलब आप खुद देख लीजिए कितने सारे कलर हैं इनमें और बहुत सुंदर लगे। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, देखिए बहुत सुंदर लग रहे थे और पहनने के बाद और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अगर आप पटियाला सूट पहनोगे ना, उस पर ये इयररिंग्स पहनोगे, गजब ही लगोगे। और आजकल ना मुझे पटियाला सूट ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, मुझे हर चीज में पटियाला सूट ही दिखाई देते हैं। मुझे होता है गाउन पसंद आ रहे हैं तो गाउन ही आ रहे हैं, पटियाला सूट अच्छे लग रहे हैं, पटियाले सूट ही अच्छे लग रहे हैं। उनपे ना ऐसे बड़े बड़े इयररिंग्स बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। जब मैं पहनूंगी तब तो आप लोगों को दिख ही जाएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये वाली ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी, ये वाले इयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। इनका जो काम है ना, एक होते हैं ना एक थोड़े अजीब से लगते हैं रियल में, पिक में इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन्हें आप पास से देखिए, फोन अगर अगर अच्छे से फोकस कर लिया तो देखिए कितने प्यारे इयररिंग्स हैं, बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं। और इन पे जो काम हो रहा है ना, ये बहुत सफाई से और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आपको पहनने के बाद ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी पहन रखा है। एक बार मुझे याद है मैंने लोकल मार्केट से ऐसे ही इयररिंग्स लिए थे, थोड़ा डिज़ाइन चेंज था उनके, इतने हैवी थे वो, इतने हैवी थे कि मैं उन्हें पूरी शादी में पहन ही नहीं पाई, इतने ज़्यादा हैवी थे। पहले नॉलेज नहीं होती ना चीज़ों की, कैसे खरीद रहे हैं कैसे नहीं खरीद रहे हैं, तो मुझे लगा भाई बड़े बड़े कानों के मुझे नहीं पहनने, कान पका देते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, आपके कानों पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि नुकसान हो आपके कानों को। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक ब्रेसलेट जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, शायद ये पहन के दिखाती हूँ, मैंने खोला नहीं है इसे अभी तक। ये ब्रेसलेट भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अकेले नहीं पहन पाती ऐसी चीजों को, मुझे मम्मी पहनाती हैं, मम्मी है नहीं यहाँ पे। ये भी मुझे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा है, देखो इसमें ना बारीक सी यहाँ पे अंगूठी बनी हुई है ये, और इसके बाद ये ब्रेसलेट है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो यही थी मेरी सारी ज्वेलरी जो आप लोगों को अगर पसंद आई हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर शादी वादी में पहनने के लिए चाहिए हो तो ले भी लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने। रियल बता रही हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है प्रोडक्ट की, बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। फिनिशिंग है चीजों में, मतलब ऐसा नहीं है कि वैसे ही है, मैं यूट्यूबर हूँ ऐसे ही बोल रही हूँ, फिर तो मैं ये भी नहीं बता दी कि मुझे उन्होंने सेंड किए हैं, लेकिन क्वालिटी सच में बहुत ज्यादा प्रिटी है इनकी। फिनिशिंग चाहिए मुझे काम में, मुझे कुछ भी चीज पहननी होते हैं ना उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं बाजी पर ऐसा होता है कि ये चीजें निकली हुई होती है तो वो हार्म कर देती हैं हमें यहाँ पे, तो वो चीज बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कौन से वाले आप लोगों को ज्यादा पसंद आए। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी को बेड पे अच्छे से बिछा दिया है, क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था, फ्रंट कैमरे से मैं इतने अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पाई, बैक कैमरा करके मैं जूम करके आप लोगों को अच्छे से इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ कि चीज़ों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, मतलब एकदम से आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, टाइम भी नहीं लगता है, 4-5 दिन में आपको आपका कुरियर रिसीव हो जाता है। मैं गाँव के एरिए से हूँ तो मुझे 4 दिन में मेरा मिल गया था, तो आप लोग खुद देख लीजिए। ये वाले मुझे बारीक बारीक वाले बड़े ज्यादा सुंदर लग रहे थे और इस गले नेकलेस का डिजाइन देखिए काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज पसंद आ जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अभी मैं अपने फोटो लगाती हूँ कुछ।